आपने अपने चैनल सब्सक्राइब किया तो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके अपने चैनल को। Well, Sabo is interesting in shaping up. I need to learn up in this video time, so action is starting very soon. Just preparing for that right now. The film shaped up really well after that. Sujit is very good. He's 26 years old. What a brilliant director. गेम किया है अभी और वापस घुमाना भी है और अब बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल हो अगर सर मैंने अपने करियर की शुरुआत से ही नेगेटिव लोग और लगातार भी नेगेटिव साथियों नाम डेविड ये सारी मैं पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नहीं देखता आई जस्ट सी कि एज अ कैरेक्टर जो स्क्रीन पे आपके आता है इम्पैक्ट है कि वो चाहे 5 मिनट के लिए हो 10 मिनट के लिए हो या एक पूरी फिल्म उस किरदार पे निभा रहे हो डजंट मेक अ डिफरेंस एज एन एक्टर यू नीड टू हैव परफेक्शन इन ऑल ऑफ इट या एट लीस्ट आई एम ग्लैड दैट इन द नेगेटिव रोल एस्पेक्ट दिस हैव प्रूव कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपना थोड़ा छोटा सा निश था अगर मुझे वो मौका आप लोगों ने दिया मेरे निर्देशकों ने दिया मुझे जरूर जाना चाहूँगा ओनली फॉर ऑल दोस पीपल हु एक्चुअली सपोर्ट फॉर अस आपको आपके लिए शूटिंग देखा जाए तो आपने एक घर में जाके इतना रिसर्च कर रहे आप खुद पर मूवमेंट घूम कर ले हमारे जो रियल मैन घूम कर ले बारे में हम चर्चा करेंगे अरे पीछे कैमरा अरे कैमरा पीछे जब आपका पैशन है तो कोई मुश्किल नहीं है बीड़ा उठाया तो करना कोई ये तो एक सोच है सोच को आगे लेके अरे उमेश घूम बोले बहुत कुछ निर्भर करता है आपके मीडिया के ऊपर कि आप कितना दिखाना चाहते हैं मैं घूम आगे कहूँगा कि आप सबसे निवेदन करूँगा कि हमें सेंसेशन स्टोरी नहीं बनना
जमीन है से नौजवान देश के बारे में सुनकर के अच्छा लगता है, उम्मीद करते हैं अच्छा होना चाहिए जो हर एक हिंदुस्तानी के लिए मुमकिन है। अच्छे बजट से सोच बदल रही है, लोगों को नए रोजगार मिलते हैं, नई सोच उम्मीद ही कर सकते हैं सारे लोग खुश हैं। सर आपकी तरफ से यूथ को कोई मैसेज बिहाफ ऑफ इंडियन आर्मी सर कैमरन? मैं यही चाहूंगा कि हर यूथ एक बार ये सोचे कि अगर उसको आर्मी में जाना हो तो कैसे जाना, अगर सोच ही देगा तो कोई काम नहीं, जाना बहुत ही बेहतरीन या खूबसूरत होगा। लेकिन एक नौजवान जब सोचता है कि मुझे आर्मी में जाना है सोच ही बहुत बुरी है। कन्वर्सेशन की बात करें अगर जाके कुछ स्टोरीज सबके सामने आने वाली है उसके बारे में कुछ आप जो शेयर करना चाहे, कुछ कहानी आपको सुनने वाले हैं जिन्होंने वहाँ बॉर्डर पर लड़ कर हमको यहाँ चैन की सांस लेने का मौका दिया। आज इस प्रोग्राम में मैं बहुत ही लोगों से आया हूँ, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से इंडियन आर्मी के जो मैं अपने अपने युद्ध नहीं कहूँगा हाथ पास में नहीं है, लेकिन हुआ मस्त हुआ। सहकर्मी चक्र अवार्डी रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन वाना सिंह जी को सम्मानित किया।